ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजधानी में आवासन मंडल की योजना प्रदेश के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का नया ठिकाना बनने वाली है। आवासन मंडल ने यहां बने 52 फ्लैट्स के आवंटन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्ताव भिजवा दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। राजधानी में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को लंबे वक्त से आवासों की कमी की समस्या झेलनी पड़ रही है। इसके मद्देनजर पिछले दिनों नगरीय विकास विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग और आवासन मंडल के अधिकारियों की बैठक हुई थी। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग के अफसरों ने मानसरोवर में अरावली एनक्लेव योजना के बी ब्लॉक के 52 फ्लैट्स का निरीक्षण किया, जो कि आवासन मंडल की ओर से बनाई गई अब तक की सबसे ऊंची बहुमंजिला इमारत है। निरीक्षण के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने आवासन मंडल को औपचारिक प्रस्ताव भेजने को कहा। अब आवासन मंडल के इस प्रस्ताव को मंत्री शांति धारीवाल ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद मंडल आयुक्त सुबीर कुमार ने इस प्रस्ताव को सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया है। आवासन मंडल की ओर से भेजे गए इस प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है कि प्रति फ्लैट की कीमत 72,41,000 रुपए मानते हुए 37,65,00,000 रुपए का भुगतान मंडल को किया जाए। ये कीमत इस साल 30 जून तक के लिए ही निर्धारित की गई है। इस राशि में जीएसटी की राशि सामान्य प्रशासन विभाग को अलग से देनी होगी। फ्लैट की कीमत में उसके 3 साल के रखरखाव की 1,65,000 की राशि भी जोड़ी गई है। बेसमेंट, सिल्ट सहित 13 मंजिला